हेलो दोस्तों, मैं आशीष मेहता आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियो जो कि पिछले वाला वीडियो है उसमें ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें बेसिक चार ऑपरेटर्स को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम अगले बचे हुए चार ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो जनरली बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो इन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन, मतलब कि एक ऐसा सिंबल जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है उसे बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। तो पहले हम बिटवाइज एंड ब्रेड को देखते हैं। तो उसके लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा एंट ए इक्वल टू मैं 5 लिखूंगा, देन एंट बी इक्वल टू मैं करता हूँ 3। ओके, और मैं लिखता हूँ एंड जेड इक्वल टू ए और एंड बी, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ जेड को। अब मैंने क्या किया है मैं आपको एक मिनट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम पेंटिंग का यूज करते हैं, इसको मैं डिलीट करूंगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू ए एंड बी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करेगा, फिर कंपेयर करेगा, और उसमें जो कंपैरिजन में अपने पास बाइनरी नंबर आएगा उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो सबसे पहले हम अपन 5 को कन्वर्ट करते हैं। तो 5 का क्या होता है, बाइनरी नंबर 0101, और 3 का कितना होता है 0011, और एंड ऑपरेटर जो होता है वो यदि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो पहले वाले में ट्रू धन फॉल्स एफ, फिर फॉल्स और एक बार फिर से फॉल्स। मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ 0001, इसका डेसिमल वैल्यू 1 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, CMD में जाके कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देखो कि अपना आउटपुट 1 आ रहा है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नए नेक्स्ट ऑपरेटर और की ओर। इसको मैं फिर सेव करता हूँ, फिर से पेंटिंग पे आता हूँ समझाने के लिए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, वही पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो 5 को मेरे पास 0101 और 3 को ले दूंगा 0011। ओके, तो ओके, तो और है बिट वाइज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यदि दोनों में से एक बिट ट्रू है तो ट्रू देगा, ओके, और दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स देगा। तो यहाँ तो पहले ही फॉल्स हो चुका है, उसके अलावा ट्रू तीनों में ट्रू है तो इसको ट्रू 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 लिखूंगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0111, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है क्योंकि हम कंपोजिट नंबर से निकाल सकते हैं 1248011145607। तो ये इसका डेसिमल नंबर का डेसिमल वैल्यू होती है। मैं इसको रन करूँगा, देन CMD पे जाके कंपाइल करूँगा, उसके बाद रन करूँगा। तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट 7 आ रहा है। ओके सॉरी, ये भी अपना सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम करते XOR की ओर, बिटवाइज XOR की ओर। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, इसका सिंपल ये होता है। पर बिटवाइज XOR में क्या होता है कि यदि दोनों की सेम है तब वो ट्रू, मतलब दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है तब वो फॉल्स देगा, अदरवाइज दोनों अलग अलग है तो हमें वो ट्रू देगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम फिर से पेंटिंग कराते हैं। यहाँ डबल से लिखते हैं 0101 जो कि 5 पर बाइनरी नंबर है। उसके बाद 3 को हम लिख सकते हैं 0011। इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो 11 दोनों ट्रू है, दोनों सेम है तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स एक अलग एक सेम ट्रू ट्रू और फॉल्स। तो 011 सॉरी 0110 आएगा। ओके कितना होता है, थ्री का कितना होता है 2 और 1 3। ओके, तो इसका कितना होता है 1248 देखेंगे अपन 2 1 1 4 6, इसका 6 आना चाहिए इसके हिसाब से। मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या अपन हम लोग सही है या नहीं है। तो उसको मैं जावा से कंपाइल करूँगा और रन करूँगा। तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट 6 आ रहा है। ओके, तो नाउ यहाँ पर हमने बिट वाइज ऑपरेटर को कवर कर लिया है। अब हम वो करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड लॉजिकल ऑपरेटर की ओर। तो जनरली लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन को चेक करता है कि वो सही है या गलत है। ओके,
जनरली इसका यूज डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है, लेकिन अभी हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़े नहीं है, तो हम इसमें बेसिक प्रोग्राम बना के भी सीख सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से कोड एडिटर पर जाऊंगा, सबलाइन टेक्स्ट, उसके बाद मैं सबको डिलीट मारता हूँ, डिलीट किया कर दिया, बनाया हमने कोड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7 फिक्स कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ, एक मिनट। तो ये हमें ट्रू देगा। इसको मैं एक बार रन करके लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सी एम डी पे जाऊंगा, इसको कंपाइल करूंगा, देन रन करूंगा, तो आप देखो कि हमें ट्रू दे रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हम देखते हैं कंडीशन क्या लगाई थी हमने, सॉरी ए ग्रेटर देन 5, इससे हमने पहले से ए की वैल्यू 5 असाइन करी हुई है, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6। तो पहली कंडीशन में क्या है, ए इक्वल टू 5 एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी वाली भी ट्रू हो रही है। तो ट्रू और ट्रू मिला के ट्रू आता है, जो कि एंड ऑपरेटर में होता है, इसलिए हमें ये ट्रू रिटर्न कर पाए। आप देख सकते हैं हमारे कंपाइलर इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, तो यहाँ हम लॉजिकली और की ओर वो करते हैं, मैं यहाँ पर लॉजिकली और का यूज करता हूँ। इसमें क्या होता है कि दोनों में से भी एक कंडीशन ट्रू है तब हमें ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, तो मैं इसको पहले जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन कंडीशन लगाता हूँ, ए इक्वल टू 6 जो कि एक्चुअल में रॉन्ग है, लेकिन बी ग्रेटर देन 5 ये सही है, तो इसका मतलब है कि ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। मैं इसको पहले सेव करूंगा, कंट्रोल एस से सेव किया, फिर सी एम टी पे जाके कंपाइल देन रन, तब देखो कि हमें ट्रू दे रहा है, क्योंकि हमारा एक तो ट्रू हो चुका है और एक फॉल्स हो चुका है, लेकिन और वाले में क्या होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हमें ट्रू देगा। ओके, इतना समझ आए, अब हम वो करते हैं अपने नोट की ओर। नोट की ओर, तो नोट वाले में होता क्या है, एक्चुअली में हम नोट वाले के लिए हम इसके आगे एक को लगा लेते हैं पेरेंथेसिस, और इसके आगे नोट लगा लेते हैं, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे, देन इसको मैं रन, इसको मैं समझाता हूँ कि रन, इस पर कंपाइल करूँगा फिर रन करूँगा, तो ये हमें फॉल्स देगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अपनी कंडीशन है ए इक्वल टू 6 और बी ग्रेटर देन 5, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट आएगा उसका भी नेगेटिव निकालेगा। ओके, नोट लगाया है, इसका मतलब नेगेटिव निकालेगा। तो यहाँ अपने ट्रू आ रहा था, लेकिन हमने आगे भी नोट लगाया है, इसका मतलब हमारा आउटपुट फाइल्स आएगा जो कि आ रहा है,